छात्रों बही खाता कक्षा 12वीं अध्याय 6.2 साझेदारी फर्म का विघटन का अध्ययन कर रहे थे। एक साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है तो साझेदारों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। साझेदारी फर्म जो है कार्य करना यहाँ पर समाप्त कर देती है, अर्थात फर्म का समापन हो जाता है, व्यवसाय का समापन हो जाता है। अब यहाँ पर जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म का समापन हो जाता है, तो यहाँ पर सभी साझेदारों के बीच में आपसी संबंध जैसा मैंने बताया समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पूर्व में जो उनके बीच आपसी में समझौते हुए थे उसके अनुसार जो है यहाँ पर समापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो फर्म के समापन या विघटन के पश्चात हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अलावा निम्न नियम भी लागू होंगे जिनको अभी हम देखेंगे आगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो है जब समापन हो रहा है उसके पश्चात हिसाब किताब का जो भी निपटारा करना है, जो भी पूर्व में साझेदारों के बीच समझौता हुआ है उसके आधार पर और जो नियम आगे हम देखेंगे उनके आधार पर यहाँ पर विघटन होगा। तो यहाँ सर्वप्रथम हानि की राशि का भुगतान जो है पूंजी की कमी सहित किया जाएगा। जो भी हानि की यदि कोई राशि है, यदि समापन पर किसी प्रकार की हानि होती है तो उसका भुगतान जो है पूंजी की कमी के साथ यहाँ पर किया जाएगा और लाभ में से किया जाएगा। तत्पश्चात पूंजी में से और अंत में आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों से लाभ हानि विभाजन के अनुपात में वसूल करके भुगतान उनको किया जाएगा। तो एक साझेदारी फर्म का जब विघटन होता है, समापन होता है, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है यहाँ पर जो भी है हानि की यदि होती तो पूंजी की कमी सहित लाभ में से उसका जो लाभ का हिस्सा उसमें से उसको पूरा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर लाभ हानि विभाजन के अनुपात में जो है वसूली खाता बनाकर हम वसूल करके राशि का भुगतान यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भुगतान हेतु फर्म की समस्त संपत्तियों का प्रयोग जो है वो निम्न क्रम में किया जाएगा। समस्त साझेदारों को जो हमें भुगतान करना है, फर्म की जो समस्त संपत्तियां हैं उनका प्रयोग हम भुगतान हेतु किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहला जो है फर्म द्वारा तृतीय पक्ष के देय दायित्व का हम यहाँ पर क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। जो तीसरा पक्ष है, जो लाइबिलिटीज हैं फर्म की, उन फर्म की लाइबिलिटीज का भुगतान जो है हम सबसे पहले संपत्तियों के माध्यम से उनका भुगतान करेंगे। दूसरा जो है साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण व अग्रिम का भुगतान। यदि किसी साझेदार के द्वारा फर्म को ऋण दिया गया है, लोन दिया गया है, तो उसका संपत्ति के माध्यम से जो है भुगतान किया जाएगा। तीसरा जो है साझेदारों को पूंजी का भुगतान पश्चात समस्त भुगतान करने के पश्चात अगर कोई राशि बचती है तो उसे साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दी जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले संपत्तियों का प्रयोग जो है हम तृतीय पक्ष को दे दायित्व के भुगतान के लिए करते हैं। इसके पश्चात साझेदार द्वारा फर्म को यदि कोई ऋण दिया गया है, अग्रिम दिया गया है, तो उसका भुगतान उसके माध्यम से किया जाता है। और फिर साझेदारों की पूंजी का भुगतान करने के पश्चात यदि कोई राशि बचती है तो शेष राशि को जो है हम समस्त साझेदारों के बीच में लाभ हानि के अनुपात में हम बांट देते हैं। यहाँ भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार साझेदार अपनी पूंजी के अतिरिक्त दिए गए ऋण का भुगतान पहले किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है साझेदार द्वारा जो है पूंजी के अतिरिक्त यदि कोई ऋण फर्म को दिया गया है पहले किया जाएगा, उसके बाद साझेदारों के पूंजी का भुगतान किया जाना चाहिए। अर्थात समस्त प्रकार के दायित्व जो है लाइबिलिटी जो है उनका संपत्तियों के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचेगा तब के पश्चात साझेदारों को पूंजी का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद भी यदि कुछ शेष बचता है तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में उस शेष को समस्त साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। तो ये जो है भुगतान हेतु फर्म की समस्त संपत्तियों का प्रयोग जो है हम निम्न रूप में करते हैं।
अब जहां पर जो हम विघटन समापन करते हैं, जो खाते बनते हैं, जो लेखा किया जाता है, तो सबसे पहले वसूली खाता लाइसेंस अकाउंट ये तैयार किया जाता है। इसका आशय यह है, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तो फर्म के सभी खाते व रोकड़ बैंक खाते आदि बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा करने के लिए एक वसूली खाता खोला जाता है। विघटन का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण खाता होता है। और ये ध्यान रखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये चीज आती है, ये जो है वसूली खाता जो है की प्रकृति जो है ये कहलाता है नाम मात्र का खाता कहलाता है। तो यहां पर जब हम फर्म का समापन करते हैं तो सभी खाते रोकड़ खाते सहित और बैंक खाते सहित हम उसको क्लोज कर देते हैं और संपत्तियों और दायित्वों की वसूली के लिए क्या खोलते हैं, वसूली खाता, जिसको हम रिलेशन अकाउंट कहते हैं। यहाँ पर लाभ हानि खाता खोल ज्ञात करने के लिए ये खाता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाता कहलाता है। यहाँ फर्म की समस्त संपत्ति रोकड़ व बैंक को छोड़कर वह अन्य सभी बाहरी दायित्वों का जो है हस्तांतरण कर दिया जाता है और तत्पश्चात संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि व दायित्वों का भुगतान वसूली खाते के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। तो फर्म की जो समस्त संपत्तियां हैं रोकड़ और बैंक को छोड़कर, जो भी हमारी अदर लाइबिलिटीज है, बाहरी दायित्व हैं, उन सब का भुगतान जो है हम संपत्तियों को बेचकर उनसे प्राप्त राशि से है, दायित्व का जो भुगतान है वो हम करते हैं। इसके लिए जो है हम वसूली खाता बनाते हैं। और ये वसूली खाता जो होता है ये की प्रकृति होती है नाम मात्र की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो खोलते हैं खाता वसूली खाता। अब यहाँ पर जब वसूली खाते में हम संपत्ति करते हैं तो वसूली खाते में सर्वप्रथम चिट्ठे में दी गई संपत्ति का क्या लिखते हैं हम, पुस्तकीय मूल्य पर डेबिट पक्ष में उसको हस्तांतरित किया जाता है। संपत्ति का जो पुस्तकीय मूल्य अर्थात जिस संपत्ति को जब खरीदा गया था उसकी उस समय जो कीमत थी, जो हमारे खातों में पुस्तकों में दर्ज है, वो उसका क्या है, पुस्तकीय मूल्य। तो सर्वप्रथम हम सभी समस्त प्रकार की संपत्तियों को हस्तांतरित करते हैं किस मूल्य पर, पुस्तकीय मूल्य पर डेबिट पक्ष में हस्तांतरित करते हैं। ये रिलीजियन अकाउंट डेबिट वसूली खाता डेबिट टू सन्ड्री असेट्स विविध संपत्ति खाता। वसूली खाते के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को हम डेबिट करते हैं वसूली खाते में। तो संपत्तियों को हम पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित करते हैं। बीइंग असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रिलीजन अकाउंट, समस्त प्रकार की संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य पर हमने वसूली खाते में हस्तांतरित किया। दूसरा जो है दायित्वों का हस्तांतरण। अब यहाँ पर अभी हमने संपत्ति का हस्तांतरण किया, अब दायित्व का हस्तांतरण, जो भी लाइबिलिटीज हैं तो समस्त बाहरी ऋण एवं दायित्वों या तृतीय पक्षकारों के दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। जो भी दायित्व थे जिनका हमें अभी भुगतान करना शेष है, जो फर्म की लाइबिलिटी या फर्म के जो दायित्व हैं, उन समस्त प्रकार के भुगतान को पुस्तकीय मूल्य पर हम क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित करते हैं। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलीजियन अकाउंट बींग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज टू, समस्त प्रकार के दायित्वों को जो है हमने वसूली खाते में हस्तांतरित किया, यहाँ पर जो है क्रेडिट किया। तो ये दो प्रकार की जो प्रविष्टि हो गई, ये दोनों आपकी संपत्ति और दायित्वों का जो हस्तांतरण है हम पुस्तकीय मूल्य पर करेंगे। इसके पश्चात आप संपत्तियों की वसूली, अभी हमने संपत्तियों को और दायित्वों को पुस्तकीय मूल्य पर अंतरित किया खाते में, अब यहाँ पर उन संपत्तियों को बाजार में बेचने से जो हमें सिर्फ राशि प्राप्त हुई, नगद विक्रय पर प्रविष्टि, संपत्तियों को बेचने पर जो हमें नगद राशि प्राप्त हुई तो कैश बैंक पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ असेट्स, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि को हमने बैंक खाते में ट्रांसफर। तो ये चीज तो हो गई नगद विक्रय, यदि कैश हमने बेचा। दूसरा स्थिति आती है संपत्ति को किसी साझेदार द्वारा लेने पर। अब यदि किसी संपत्ति को कोई साझेदार खरीदना चाहता है तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन अकाउंट बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर और पार्टनर, किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर द्वारा या और विभिन्न पार्टनरों के द्वारा जो है ये संपत्ति को खरीदा गया। और तीसरी स्थिति बनती है संपत्ति को किसी लेनदार द्वारा अपने दायित्व के बदले भुगतान स्वरूप भी वो यहाँ पर ले सकता है। यदि किसी साझेदार जो है वो लेनदार है तो ऋण या कोई भुगतान उसने फर्म को कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने दायित्व के बदले उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर तीन रूपों में जो संपत्ति की वसूली होती है, नगद विक्रय पर वसूली, यदि संपत्ति को कोई साझेदार द्वारा ले लिया जाता है, और तीसरा यदि किसी संपत्ति को जो है यदि कोई लेनदार अपने दायित्व के बदले भुगतान के रूप में प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर दायित्वों का भुगतान, इसके पहले हमने पुस्तकीय मूल्य पर और दायित्वों का पुस्तकीय मूल्य पर प्रविष्टि, फिर संपत्तियों की वसूली, अब यहाँ पर दायित्वों का भुगतान। तो यदि दायित्व का हम नगद भुगतान करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पेड, दायित्वों का भुगतान। जो भी दायित्व थे उन दायित्वों का बाजार मूल्य पर यहां पर भुगतान किया गया। सेम वही स्थिति दूसरी, यदि कोई दायित्व का किसी साझेदार द्वारा भुगतान करने, यदि कोई साझेदार ये जिम्मेदारी लेता है कि वो फर्म के दायित्वों का भुगतान वो स्वयं कर रहा है, तो यहाँ पर रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली गई। तीसरी स्थिति है लेनदार को उसके दायित्व का भुगतान जो है नगद न करके कोई संपत्ति उसके बदले में दी जा सकती है, यदि वह संपत्ति उसके संपूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त है तो इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर यदि दायित्व का भुगतान नगद नहीं करता, कोई संपत्ति के बदले में उसको दी जा सकती, तो संबंध में यहाँ जो प्रविष्टि है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विंग बैलेंस पेमेंट ऑफ क्रेडिटर मेड, जो बैलेंस था जो शेष था वो लेनदार के द्वारा भुगतान यहाँ पर के रूप में किया गया। तो दायित्वों का भुगतान जो है यहाँ तीन रूपों में है, दायित्वों का नगद भुगतान, दूसरा दायित्वों का किसी साझेदार द्वारा भुगतान करने का। भुगतान फर्म के समापन से संबंधित जितने भी प्रकार के व्ययों को का भुगतान किया गया वो कहलाते हैं वसूली व्ययों के भुगतान के अंतर्गत आते हैं। तो वसूली व्यय वे व्यय कहलाते हैं जो समापन की प्रक्रिया के लिए संपत्तियों की वसूली व दायित्वों के भुगतान के संबंध में किए जाते हैं। यहाँ वसूली व्यय नगद भुगतान द्वारा किए जाते हैं तो निम्न लिखा होगा, वसूली व्यय वे व्यय हैं इस समापन की प्रक्रिया में ऑडिटर को या अन्य भी किसी भी प्रकार के संबंध में जो फर्म के द्वारा व्यय की गई राशि वो वसूली व्यय कहलाती है। यहाँ पर संपत्तियों की वसूली के संबंध में जो भी खर्च किया गया, कमीशन दलाली वगैरह दी गई, उससे संबंधित व्यय, विभिन्न प्रकार के दायित्वों का भुगतान करने के संबंध में जो व्यय किए गए हों, हिसाब किताब को आखिरी फाइनल बनाने के संबंध में ऑडिटर को जो भी दिया गया हो, वो समस्त प्रकार के व्यय जो है वसूली व्यय के अंतर्गत आते हैं। और ये वसूली व्यय जो है यदि नगद भुगतान किए गए हैं तो इसके संबंध में जो प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस पेड, व्यवसाय को
क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए किए गए एक्सपेंसेस का भुगतान, व्ययों का भुगतान किया गया। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर यह है कि जब साझेदार समापन का कार्य एक निश्चित राशि के बदले करे तो निम्न प्रविष्टि यहाँ पर होगी। यदि कोई साझेदार समापन का जो कार्य है यदि एक फिक्स राशि के बदले करता है कि सारा बाइंडअप करने का काम जो है ये समस्त कार्य जो है उस साझेदार के द्वारा किया जाएगा तो उसका भुगतान के संबंध में जो है रिलीजन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग बाइंडिंग अप और रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस चार्ज। खाते को बंद करने के लिए, वसूली खाता तैयार करने के लिए जो भी भुगतान है वो साझेदार को किए गए, तो ये वसूली व्ययों का भुगतान से संबंधित है। फिर वसूली खाता बंद करना, जब हम इस खाते को क्लोज करते हैं तो वसूली खाता बंद करने पर लाभ या हानि की दशा होगी, कोई भी एक चीज होगी, लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ की दशा में वसूली खाता जब तैयार करते हैं तो यदि लाभ की स्थिति होती है तो क्रेडिट पक्ष का योग जो है डेबिट पक्ष के योग से ज्यादा होने पर लाभ की स्थिति होती है, इसकी प्रविष्टि होगी रिलेजन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ऑन रिजोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड। वसूली खाते से जो भी लाभ है वो समस्त साझेदारों के बीच में, ए बी सी मान लीजिए तीन साझेदार हैं, सभी साझेदारों के बीच में आपस में यहाँ पर लाभ डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर हानि की दशा में यदि वसूली खाते में कोई हानि है तो डेबिट पक्ष का योग जो है क्रेडिट पक्ष के योग से बड़ा है तो अंतर वसूली पर हानि कहलाएगी, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ए बी सी जो भी हैं तीनों उनके खाते यहाँ पर डेबिट होंगे टू वसूली खाता से विंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी वसूली खाते से संबंधित हानि है वो समस्त साझेदारों को अंतरित यहाँ पर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाए। तो ये वसूली खाता जब हम क्लोज करते हैं तो दो स्थिति बनती है, या तो लाभ की या हानि की। आज के इस अध्याय के अंतर्गत जो है हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि एक फर्म का हिसाब किताब किस तरह से निपटाया जाता है, खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, दूसरा वसूली खाता कब और कैसे तैयार किया जाता है, वसूली खाते किस स्थिति में बनाया जाता है, फर्म के समापन पर बनाया जाता है, और तीसरा जो है फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, समझाइए।